بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي له لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي البقي المدني الصاحب الحامي وقوقب دري الوقار والسقينا المدفون بأعز مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة درود پڑھیں بابا زبلن آپ سے ارشاد مسعود ہے اکبر بلند آواز سے اس کے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے طہارت آتی رہے ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص مندر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری بوسگاہ بن جاتا ہے اس لیے مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھیں دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائے اور جو تمنائیں ہیں جو مرادیں ہیں بارگاہ رب الحسین میں منظور اور قبول بانیان مجلس و جلوس کا انتظام اہتمام خرچ خرجات پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے اور جو بھی مقاصد خیر ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے آپ کی مجب الاحترام خدمت میں ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم الشان ایک فرمان اور حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ بشر حسین چراغ ہدایت ہے حسین کشتی نجات ہے پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے تو بازبان پیغمبر لیکن اس کا متن اس کی تحریر اس کا عکس سب سے پہلے سدرۃ المنتہا پر اللہ نے رقم کیا اس حدیث کا بیان اس حدیث کا ذکر پیغمبر اسلام معراج کی واپسی کے بعد کر رہے ہیں یہ فرمان پیغمبر اپنی زبان سے ضرور کہا لیکن پڑھا کہیں اور یعنی
खुद पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं, जब मैं मेराज पर गया सिद्रतुल मुंतहा पर पहुंचा, जहां जिब्राइल जैसे फरिश्ते ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और कहा कि परवरदिगार ऐ अल्लाह के नबी अब मेरे पर जलते हैं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो गोया कि वहां अल्लाह का नबी पहुंचा जहां जिब्राइल न पहुंचा, और जब अल्लाह के नबी वहां पहुंचा वो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जब मैं सिदरतुल मुंतहा की मंजिल पर पहुंचा तो मैंने सर उठाया तो नूर के हरफों के साथ वहां लिखा हुआ था इन हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीना हुदा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह तो लिखा गोया के हुसैन का जिक्र आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा से शुरू होता है। हुसैन के जिक्र का पहला जाकिर खुद अल्लाह है, सामे रसूल खुदा है, और ये तस्कराए हुसैन इब्न अली जो आसमानों से भी ऊपर हो रहा, दुनिया जान नहीं सकती मकाम हुसैन। आओ हम तुझे बताएं क्या है मकाम हुसैन। आयतुल्लाह अंसारियान का तो नाम आपने सुना होगा, इस वक्त कौम की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े मर्जा, 40,000 के लगभग तो लोग उनके सिर्फ मकतब में हैं, उनके दर्स में शामिल होते हैं। आयतुल्लाह अंसारियान कहते हैं कि जिस जगह को तुम उनबाने मजलिस करार देते हो, जिस जगह कर पर बैठ कर के तुम जिक्र हुसैन बर्पा करते हो, चाहे वो चौक हो, चाहे वो गली हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो इस धरती का कोई भी कोना हो, जहां तुम मजलिस से अज़ा बर्पा करते हो, मिंबर लगाया, दरिया बछाई, स्पीकर लगाया, खतीब का एहतमाम किया, तुमने इन एकाद मजलिस के वो तमाम एहतमाम किए, चाहे वो चौक पे किए, चौराहे पे किए, गली पे किए, घर में किए, इमाम बारगाह में किए, मस्जिद पे किए, जिस जगह को तुम उनवाने मजलिस करार देते हो खुदा उस जगह को हदीम खुदा बना देता है। उस जगह को खुदा हदीम खुदा बना देता है, और हदीम खुदा जो हाजी हज करने गए उनको पता है कि हदीम किसे कहते हैं। हदीम एक मकाम है, खाना काबा की दीवार से मुत्तसिल एक मकाम है, जहां तीन कब्रें हैं, हजरत हाजरा की कब्र है, हजरत इब्राहिम की कब्र है, हजरत इस्माइल की कब्र, यानी एक नबी की माँ और एक नबी की जौजा, और दो नबी इस मकाम पर दफन है, और जो इस मकाम पर दाखिल हुआ और दुआ मांगी परवरदिगार कहता है मैं उसकी दुआ को रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि ये नबियों के दरमियान मांगी गई है। बोला के ये हदीम खुदा, और आयतुल्लाह अंसारियान कह रहे हैं कि जिस जगह को तुम उनवान मजलिस करार देते हो खुदा उसको हदीम खुदा बना देता है, यानी यहां बैठकर तुम जो भी दुआ मांगो खुदा उसको रद्द नहीं करता। अंसारियान आगे बढ़े, किसी ने रश्क किया, किसी ने रश्क किया, आवाजान इतना बड़ा मकाम सिर्फ उस जगह का जहां मजलिस हो, वो तो गली है, वो तो एक कूचा है, वो तो एक बाजार है, वो तो एक घर है। हाँ हाँ, उन्होंने कहा तुम्हें क्या मालूम कि मकाम हुसैन क्या है, तुम्हें क्या मालूम कि जिक्र हुसैन क्या है, तुम्हें क्या पता कि अल्लाह ने जिक्र हुसैन के अंदर किस ताकत को छुपा के रखा है। बोला जब उसने रश्क किया तो आयतुल्लाह अंसारियान आगे बढ़े, कहा सिर्फ बात यहीं तक रुकेगी नहीं, आगे बढ़ रही है कि जिस जगह को तुम उन्होंने मजलिस करार देते हो खुदा उस जगह को अर्शे मुअम्मा बना देता। तलबा ने
ने रश्क किया अर्श मोहल्ला। आयतुल्लाह अंसारियां आगे बढ़े, कहा नहीं, जिस जगह को तुम और माने मजलिस करार देते हो खुदा उस जगह को सिदरतुल मुंतहा बना देता है। हुसैन के जिक्र की इब्तदा सिदरतुल मुंतहा है। हुसैन का पहला जाकिर खुद अल्लाह है, दूसरा सामने खुद रसूल खुदा है। यही वजह है कि जिंदगी में जब से हुसैन रसूल की गोद में आए, रसूल को एक पल में चैन नहीं है, इस तरह पे रहता है रसूल, कभी गोद पे लेता है, कभी आंखों पे लगाता है, कभी कांधों पे बिठाता है। और हद है आलम इस्लाम, तुम आशिक रसूल हो, इश्क रसूल में महाफिल कायम करते हो, आशिक रसूल होने के दावेदार हो, तुम लाखों और करोड़ों रुपए इश्क रिसालत में सर्फ करते हो, तुम ये कहते हो कि मुझसे बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है, तो गोया उस आशिक रिसालत से मेरा सवाल है कि फिर हमसे सवाल करो कि रसूल किसका आशिक है। जाता है।
हजरत हुसैन जिस मंजिल पर आप बैठे हैं, आप मामूली मकाम पर नहीं बैठे हैं, मैंने पहले मकाम बता दिया, आप कहां बैठे हैं? हदीम खुदा अर्श मोहल्ला, आप सिदरतुल मुंतहा पर बैठे हैं। ये कोई आम मंजिल नहीं है, इसलिए कि हुसैन का जिक्र शुरू ही सिदरतुल मुंतहा से होता है। हम उन जगह को सिदरतुल मुंतहा बना देते हैं जहां जिक्र हुसैन इब्ने अली होता है। आओ दुनिया वालों, इश्क रिसालत की मंजिलों को तय करते हैं, आओ इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं, आओ दुनिया को दिखाओ कि अल्लाह के रसूल कर क्या रहा है। सवारियां बोलती हैं, हमारी सवारी तो बोलती नहीं है। इनकी सवारियां बोलती, हमारी सवारी नहीं बोलती। हाँ, कमाल हो गया हुसैन, कैसी बातें करते हो। अगर उनकी सवारियां बोल रही हैं तो तुम्हारी सवारी भी बोलेगी। आप तो राजनपुर के इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आप तो नाकाओं की तबीयत और मिजाज से भी आगाह है। आपको पता है नाका की तबीयत, नाका का मिजाज क्या होता है और नाका की आवाज क्या होती है। गोया के मदीने में बहुत सारे सवार नाकों पर सवार थे और अपनी अपनी सवारियों पे मगन थे और उनकी सवारियां बोल भी रही थी। और हुसैन ये चाहते हैं कि अगर उनकी सवारियां बोलती हैं तो हमारी सवारी को भी बोलना चाहिए। कहा कि जब रसूल ने कह दिया हुसैन मैं तुम्हारा नाका हूं, जब तुम नाका हो और बड़ी देर तक अल्लाह के नबी नाका की आवाज निकालता रहा। तवज्जो चाहूंगा, बड़ी देर तक नाका की आवाज अल्लाह के नबी निकालता रहा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह बस काफी हो गया, बस एक दो दफा एक मिनट सेकंड के लिए नाका की आवाज निकालिए, बच्चे राजी हो जाए। और आप बड़ी देर से नाका की आवाज निकाल रहे और इतनी देर से नाका की आवाज है, बस जब दूसरे नाका भी चुप हो गए और आप हैं कि नाका की आवाज मुसलसल निकाल रहा, बच्चे राजी हो गए। अब इस आवाज को बंद कर दीजिए। अल्लाह का नबी क्या कह रहा है सुनो, ये वो जुमले हैं जो हमारे मुसलमानों की किताबों में है। रसूल खुदा ने कहा मैं क्या करूं, जिब्राइल आकर के मुझे कह रहा है, अल्लाह ये हुक्म दे रहा है, जब तक हुसैन सैर न हो जाए अपनी आवाज को नाका से निकाल कर। हुसैन बस मर्जी खुदा हुसैन बस करेगा तो हुक्म होगा कि बस करो। हाँ, ये कैसा लाड है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है। आए दुनिया वालों देखो ये कौन सा अंदाज मोहब्बत है, ये कौन सा अंदाज इश्क है जो अल्लाह का रसूल अपने नवासे हुसैन से कर रहा है। आओ फिर तय करो, अगर तुम्हारे नजदीक कौल पैगंबर सीरत है, किरदार पैगंबर सीरत है, अफकार पैगंबर सीरत है, तो फिर ये मोहब्बत हुसैन के ये चेहरे तुम्हें नजर नहीं आते। ये आश्कार कर रहा है रसूल अपने नवासे से मोहब्बत करो ना फिर इस तरह की मोहब्बत हुसैन से। ये भी तो सीरत रसूलुल्लाह है, ये भी तो सीरत रसूल है ना कि हुसैन से इस तरह भी मोहब्बत करो, हुसैन से इस तरह भी इश्क करो। यानी तुम्हारे नजदीक हर काम अगर सीरत है तो इश्क हुसैन करना भी सीरत रसूलुल्लाह है। वो कि दुनिया ने
ये मिजाज देखे, अंदाज देखे। और फिर ये कोई पहला मौका नहीं, यही नबियों का सरदार मस्जिद में शरीयत के मसले बयान कर रहा है, शरीयत की तशरीह कर रहा है। सहाबा मस्जिद नबी खचा खच भरी हुई है, शरीयत के मसले बयान हो रहे हैं। कि इधर आफ्ताब इमामत का ये शहजादा मस्जिद में दाखिल हुआ, सफों को चीरते चीरते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक अबा के दामन में पहुंच, करीब था कि हुसैन अबा के दामन में ऊंचे हुए पांव के साथ जमीन पर गिर जाते। जैसे ही पैगंबर ने देखा कि मेरे हुसैन का पांव अबा के दामन में उलझाया, इससे पहले कि मेरा हुसैन जमीन पर गिरे, पैगंबर ने खुतबा छोड़ा, शरीयत के मसलों को छोड़ा, सहाबा की सफों को चीरते हुए दौड़ते हुए आए, हुसैन को इस तरह उठा लिया जिस तरह कारी गिरते हुए कुरान को उठा लेता। और अपनी गोद में लिया, उठा दिया, लेकर के आए सहाबा के मजमे में, पैगंबर बैठे, अपनी गोद में बिठा दिया, कहा आजा अतारुफुल हुसैन, हुसैन की मार्फत हासिल करो, हुसैन को जानो, ये मेरा हुसैन है इसको पहचानो, ये मेरा जिगर है, ये मेरा दिल, ये मुझसे है और मैं इससे हूं। और फिर फरमाया ये जन्नती है, इसका बाबा जन्नती है, इसका दादा जन्नती है, इसकी दादी जन्नती है, इसके चाहने वाले जन्नती हैं और इसके चाहने वालों के चाहने वाले भी जन्नती हैं। जो इससे वाबस्ता हो गया वो कामयाब हो गया, वो कामरान हो गया। गोया के जौहरे रिसालत में पैगंबर अपने हुसैन से नासबरदारी कर रहा है। पैगंबर पर वही होती गुजरे में चले जाते, मना कर देते, खबरदार जब मुझ पर वही नाजिल हो मेरे गुजरे में किसी को आने की इजाजत, सलमा दरवाजे पर बैठ जाए, किसी को मेरे गुजरे में मत आने दीजिए, क्योंकि वक्त वही होगा और मुझ पर वही नाजिल हो रही, और जब वही मुझ पर नाजिल हो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मेरे कमरे में किसी को भी आने की इजाजत नहीं। उम्मे सलमा कहती है मैं बैठ गई दरवाजे पर, पैगंबर हुजरे में चले गए, आफ्ताब इमामत का ये छोटा शहजादा उस हुजरे की तरफ बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। उम्मे सलमा कहती है मैं परेशान हूं कि मैं क्या करूं, रसूल खुदा को हुसैन से मोहब्बत भी बहुत, लेकिन रसूल खुदा मना भी करके गए, लेकिन क्या करूं। बस जुर्रत की उम्मे सलमा कहती है, मैंने जसारत की, मैं आगे बढ़ी और मैंने कहा हुसैन कहां जा रहे, कहा नानी अपने नाना के पास जा रहा, कहा नाना तो इस वक्त मसरूफ है और पर वही नाजिल हो रही, मना किया, कहा नानी मुझे भी मना किया है, कहा ये तो नहीं मालूम लेकिन मना किया। बस करीब था कि हुसैन लौट कर हुजरे से वापस हो, जैसे ही हुसैन वापस हुए कि एक मर्तबा हांफता हुआ कांपता हुआ अल्लाह का नबी हुजरे से बाहर आया और कहा उम्मे सलमा अभी अभी तूने किसको वापस कर दिया है, कहा या रसूल अल्लाह हुसैन आया था, हुसैन आया था, मैंने कहा आप नहीं जा सकते, अभी लौट कर हुसैन गया है, कहा उम्मे सलमा दौड़ कर जाओ हुसैन को बुला के लाओ, आती हुई वही रुक गई है और अल्लाह कह रहा
इस्मत और तहारत क्यों कर रहा है ये नाज बरदार, क्यों कर रहा है ये इश्क, जानता है रसूल कि ये मेरा हुसैन आम हस्ती नहीं है, ये वो है जिसके तस्करे अर्श पर हो, ये वो है जिसके तस्करे वही खुदा बनते हो, जिससे खुदा नाज करता है वो मामूली नहीं, इसलिए जानता है अल्लाह का नबी कि हुसैन सिर्फ मेरा वारिस नहीं है, आदम का वारिस है, ये नूह का वारिस है, ये इब्राहिम का वारिस है, ये खलीलुल्लाह का वारिस है, ये ईसा का वारिस है, ये मूसा का वारिस है, ये 1,24,000 नबियों का वारिस है, विरासत है सैयद शहदा के पास अंबिया की, इसलिए मामूली नहीं है, इसलिए रसूल पर वाजिब है कि वारसान अंबिया का इसी तरह एहतराम करे जिस तरह एहतराम करने का हक है। दुनिया वालों को यही तो समझा रहे हैं, दुनिया वालों कहां भटक गए, किधर चले गए, आओ ये मनाज़िरे इश्क देखो रसूल खुदा, जिंदगी के किसी पहलू पहरे में भी पैगंबर एक लम्हा के लिए हुसैन से जुदा नहीं, दहाने रिसालत हुसैन के मुंह में रखा जाता, बड़ी देर तक सुबाने रिसालत चूसा करता, बदने रिसालत पर खेला करता, जुल्फे रिसालत को थामा करता, लम्हा के लिए भी हुसैन जुदा हो जाते, रसूल फातिमा के दरवाजे पर खड़े हो जाते, फातिमा के दरवाजे पर खड़े, फातिमा के दरवाजे पर खड़ा होना मामूली बात नहीं है, फर्क कितना है, फासला ही कितना है, मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब ही तो ज़हरा का घर है, और एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे तक ही आना है, और मुसलसल आते रहना और पूछना ज़हरा हुसैन ने खाना खाया या नहीं, हुसैन ने पानी पिया या नहीं, बिल्कुल में देखो हुसैन उठा करके घर से ले आते, बड़ी देर तक अपनी गोद में रखते हुसैन, वही रिसालत जो मादम थे मादम, उसके दुनिया आओ इस निजाम की तरफ पलट आओ और देखो कि ये हो क्या रहा है चमन रिसालत में, ये बागीचे रिसालत में क्या हो रहा है, कौन है जिसकी इब्तदा आज एतराज करते हैं हम, भाई ये ताजिए को सलाम क्यों कर रहे हो, ये आलम को सलाम क्यों कर रहे हो, क्यों करते हो इनको सलाम, क्यों चूमते, हमने कहा दुनिया वालों तुम्हें ये राज कभी भी समझ में नहीं आएंगे, तुम्हें समझ में आ ही नहीं सकते, ये वही एतराज करते हैं जिनको आदम की रूह समझ में नहीं आई, जिनको आदम की रूह समझ नहीं आई, जिनको आदम की तखलीक समझ में नहीं आई, जिनको अल्लाह का भेजा हुआ पहला हादी समझ में नहीं आया, अल्लाह ने निजामे हिदायत के लिए हजरत आदम को भेजा था और कहा था कि आदम जाओ, और फरिश्तों को हुक्म दिया था कि ऐ फरिश्तों जब तक आदम के पुत्र में रूह फूंक ना फूंक दो उस वक्त तक खड़े रहो, और जैसे ही रूह फूंको तो सब सजदे में गिर जाओ, जैसे ही आदम के पुतले में रूह फूंकी गई तो तमाम मलाइका ने सजदा किया है मगर किसने नहीं किया है, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, आदम कोई काबा थोड़ी था जिसको मलाइका सजदा कर रहे थे, तवज्जो चाहूंगा, आदम कोई काबा थोड़ी था जिसको मलाइका सजदा कर रहे थे, आप भी हम सजदा काबा को थोड़ी करते हैं, हम काबा को थोड़ी सजदा करते हैं, अगर हम काबा को सजदा कर रहे हैं तो हम भी और बुतों में क्या फर्क है, हम आज भी काबा को सजदा नहीं कर रहे, हम आज भी हुक्म खुदा को सजदा कर रहे हैं, हुक्म खुदा ये है कि काबा को सजदा करो, तो हम काबा को सजदा कर रहे
कर दो। चढ़ने वाले के खिलाफ जो बकबक हुई और जो दहशतगर्दी से जोड़ा गया,
आज पूरी दुनिया ने जवाब दिया, आज पूरे पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, आज पूरा पाकिस्तान निकला हुआ था। चटवाल 1,00,000 मोमिनीन सड़कों पर थे, मुल्तान आज मैं देखकर आया हूं हजारों की तादाद लोग सड़कों पर थे। अली उल वलीउल्लाह जिस आलम पर बंधन पाक लिखे जाते थे वहां सिर्फ अली उल वलीउल्लाह लिखा हुआ था। रोकोगे अली उल वलीउल्लाह? रोक सकते हो अली उल वलीउल्लाह की सदा को? तुम कभी भी अली उल वलीउल्लाह की सदा नहीं रोक सकते, क्योंकि इस अली उल वलीउल्लाह की सदा को बुलंद किया है कर्बला के मैदान में सहरा के लाल ने। किरदार बड़ा अजीम है। मेरे मौला ने क्या किया है? मेरे मौला ने यह किया है कि यजीदियत इस्लाम के लिबादे में छुपी हुई थी, उसको सहरा का लाल ले करके घेर करके लाया है कर्बला में। तो चाहूंगा सहरा के